जय गणेशा। गणेश उत्सव चल रहा है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन हो गया गणेश जी का और मेरे यहाँ पे पप्पा आए हैं और आप सभी को पप्पा का आशीर्वाद मिले, सब पे कृपा बनाए रखें। पप्पा की कृपा, वो सब पर दृष्टि रखते हैं। बस ज़रूरत होती है कि सच्चे मन से जा करके उनके सामने हम प्रार्थना करें, प्रे करें, उनका आशीर्वाद लें। यू नो, महाराष्ट्र से शुरू हुआ गणेश उत्सव, तो पहले महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। धीरे धीरे ये सेलिब्रेशन जो है वो पूरे इंडिया में पहुंचा और गणेश उत्सव हर जगह मनाया जाने लगा। तो अब तो हर जगह, हर शहर में मनाया जाता है, लेकिन जो सेलिब्रेशन, जो उत्सव यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर गणेश पूजा देखना है, वो महाराष्ट्र आ जाइए, मुंबई स्पेशल। यहाँ पर लगता है 11 दिन आपको हर रोज़, आपको हर जगह जगह पर गणेश जी के पंडाल मिलेंगे और मोस्टली लोग अपने घर पर लाते हैं। जैसे कि मैं इस बार तीन दिन के लिए लाई। वैसे मैं लाती हूँ 1.5 दिन के लिए रखती थी, और मैंने कहा 1.5 दिन पता ही नहीं चलता है, ऐसे आते हैं और ऐसे चले गए। वो मैंने कहा 3 दिन करती हूँ। अभी 3 दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। 3 दिन में भी मतलब आज तीसरा दिन है और लग रहा है वो और करना चाहिए था, क्योंकि पप्पा कहीं जाते नहीं हैं, हमेशा हमारे दिल में, हमारे पास रहते हैं, हमारे घर में हर समय। गणेश जी की खासियत ये है ना कि इनकी पूजा के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस अपने घर को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, अपने मन को साफ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप पप्पा को लेकर आइए। अगर आपकी कोई विश है, आप मांगना चाहते हैं, तो उसे विश मांगिए। अच्छा, मैं विश मांगने का एक तरीका बताती हूँ जो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ना हमारी विश पूरी नहीं होती, तो पप्पा से विश मांगने का एक बहुत ही साधारण सा तरीका है कि आप ये तो मंदिर में जाइए, या जब पप्पा का उत्सव चल रहा होता है गणेश जी का, तो जब जाते हैं विसर्जन के लिए, उस टाइम पर आप जाइए और पप्पा के लेफ्ट कान में अपना हाथ रखिए, लेफ्ट हैंड रखिए लेफ्ट कान में, और राइट हैंड में आप थोड़ा चावल रखिए और मिश्री रखिए, कुछ दाने मिश्री के, और बस अपनी जो भी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको चाहिए कि पूरा हो, तो पापा से कह दीजिए, और इसी तरह से आप मूर्त को भी कहिए। तो इस तरह से जब आप कहते हैं, पापा उस विश को पूरी करते हैं, और देखिएगा आप 1 साल के अंदर अंदर आपकी वो विश पूरी होती है। पापा सुनते हैं, ये विश बहुत जल्दी पूरी होती है और ये सही तरीका है विश मांगने का पापा के सामने। तो ये है, और जैसे पूजा के लिए तो मैंने कहा कि बहुत ही साधारण है, वो तो आपकी श्रद्धा और आपकी हैसियत के हिसाब से आप जो करना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं, आप चाहें तो बहुत लोगों को बुलाएं, और आप चाहें तो, आपके पास नहीं है तो बस आप बाबा को लेकर आइए, मुझे प्रार्थना करिए कि जो भी भूल चूक है क्षमा करिए और मुझे मेरी पूजा को स्वीकारिए, मेरे घर पर पधारिए। जितने दिन भी आप बैठाना चाहते हैं आप बैठाइए, और देखिए हर चीज़ें एक अलग से आपको एक अलग एनर्जी मिलती है, खुशियाँ अपने आप ही पूरे घर में खुशियाँ छा जाएंगी। पप्पा जितने दिन रहते हैं ना, या पप्पा के जाने के बाद भी जिस घर में आप पप्पा को लाते हैं, वहाँ पर एक अलग एनर्जी देखने को मिलती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो मैं तो कहती हूँ कि पप्पा की कृपा तो हर किसी पर रहती है, बट स्पेशली अगर आपकी श्रद्धा है तो आपके घर पर लाइए और पप्पा की पूजा करिए,